इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। सोमवार को मृतक महिला मुमताज के परिजनों द्वारा सईद अनवर को न्याय दिलाने के लिए जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। स्थानीय निवासी की ओर से दिए गए ज्ञापन में लोगों ने बताया कि 18 फरवरी 2023 को महिला मुमताज को उल्टी की मामूली शिकायत पर भर्ती कराया गया था, लेकिन मौके पर मौजूद चिकित्सकों व नर्सिंग कर्मियों ने उपचार में देरी की, लापरवाही बरतने से मरीज की मृत्यु हो गई। चिकित्सकों नर्सिंग कर्मियों ने अपनी नाकामी छिपाने के लिए मर्ता का एक परिजनों के साथ अभद्र व्यवहार, गाली गलौच और मारपीट की। वह अस्पताल की संपत्तियों के तौर पर कर मृतकों के परिजनों पर गंभीर धाराओं में फर्जी मुकदमे दर्ज कराए, जबकि 8 दिन गुजरने के बाद भी मृतका के परिजनों की पुलिस ने अभी तक FIR भी दर्ज नहीं की, जिससे लगता है कि पुलिस प्रशासन एक तरफा कार्रवाई कर रहा है, जिससे परिवार को अभी तक इंसाफ नहीं मिला। मृतका के परिजनों को पुलिस द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। घर पर कोई पूर्व सदस्य मौजूद नहीं है। छोटे छोटे बच्चे व महिलाएं सदस्यों पर भूखे मरने की नौबत आन पड़ी है। मृतका के घर में मृत्यु की वजह से मातम पसरा हुआ है। वहीं पुलिस कार्यवाही से पूरा परिवार सदमे में है, पर यदि कोमल जी बनाकर पेश किया जा रहा है। मृतका के परिजनों की मांग है कि डॉक्टर व चिकित्सा कर्मियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए व अयोग्य अस्पताल प्रशासन कर्मियों को बर्खास्त किया जाए, गिरफ्तार। मृतका के पुत्र सईद अनवर को रिहा किया जाए। मृतका के पुत्र व अन्य परिजनों पर लगाए गए असत्य व एवं निराधार मुकदमे वापस लिए जाए। मृतका के परिजनों को 10 लाख नगद सहायता व परिवार के किसी सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। परिजनों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि 7 दिनों में यदि हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो पूरा परिवार आमरण अनशन पर बैठ जाएगा। ज्ञापन के दौरान समाज सेवी साजिद हुसैन, जावेद खान, तौसीफ अगवान, इरशाद, हर्षनाथ, सलमा, गुड्डो, इशरत, मृतका के छोटे बच्चे वाले लोग मौजूद है। इंडियन टीवी न्यूज से पुरुषोत्तम बूंदी की रिपोर्ट। हमारी मांगे हमारे बच्चे को रिहा करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारे बच्चे को रिहा करो, हमारे बच्चे को बिना दोषी पकड़ा गया है। इन्होंने इन्होंने बहुत जुल्म कर रखा है, इन्होंने हमारे साथ, इन्होंने हमारे छोटे छोटे बच्चे, इनको के खोल खिलाएगा हमारे बच्चों को, ये बताओ आप है। हम इनके सारे कहाँ तक जिंदगी भर पूरी करेंगे हमारी, ये बताओ आप, हम किसके सारे रहेंगे, हमारे सारे आदमियों को इन्होंने कर रखा। हमारे पुलिस वाले हमें धमकी दे के जा रहे हैं घर में, तुम्हारे आदमियों को बंद कराओ, बंद कराओ, बेटा जेल में है मेरा, हमें कौन खिलाएगा, छोटे छोटे बच्चे है मेरे, ये बताओ आप है। ये बच्चों की माँ, तुम बच्चे की माँ पूरी करो आप है। हम तो जाएंगे तुम्हारे, तुम इंसाफ करने वाले हमारे साथ, बिना इंसाफ की जिंदगी ना जाएगा। आपके बच्चे को किस आरोप में जेल में डाला है? बच्चे को बिना वजह फंसाया गया हमें, बिना वजह बना फंसाया गया हमें, सब कुछ किया और उन लोगों ने हमारे ऊपर पटक दिया सब कुछ, हम लोगों को फंसा दिया उन लोगों ने। जिस टाइम हमने एडमिशन लेना चाहे वो एडमिशन लेने भागा क्यों, ये बताओ, ये पैसे बताओ। क्या मांगे आपकी? हमारी यही मांगे, हमारे बच्चों को रिहा करो, हमारे सब इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।